मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ठीक है, तो आज हमारा दूसरी कक्षा में विषय है गुजराती। ठीक है, तो देखो गुजराती में हमने ये सब शब्द जो है वो लिख लिए थे। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, ये क से ळ तक मैंने आपको लिखवाया था, उसके बाद में मैंने आपको ये वाला भी लिखवा दिया था। ये जो बॉक्स वाला था वो मैंने आपको करवा दिया था, इसकी PDF भी भेजी है, वो आप भर लेना। ठीक है, उसके बाद में ये जो शब्द थे ये शब्द भी मैंने आपको लिखवा के पूरे कर दिए थे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आज हम नया सीखेंगे। ये शब्द देख देख के लिखने वाले थे, उसके बाद में आज हम ये नया सीखेंगे, पेज नंबर 7। ठीक है, कितना पेज नंबर है? 7 पेज नंबर है। ठीक है, तो पेज नंबर 7 के ऊपर देखो गुजराती में सूचना लिखिए, शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। इसका मतलब होता है कि आपके मन से इसमें जो शब्द चित्र को देखकर जो शब्द इसमें आता होगा वो इसमें लिखो। ठीक है, तो अभी क में हमको शब्द दिया है, देखो सादे शब्द दिए, क प बतक जग बड़। ठीक है, तो इसका हम चित्र पहले देखेंगे। देखो ये क्या लिखा है, वलय भर, और चित्र किसका दिया है? जग का। ठीक है, ये जो चित्र दिया है ये किसका दिया है? जग का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जग। तो ये क्या पढ़ेंगे? वलय जग भर। क्या लिखेंगे? वलय जग भर। फिर नीचे के इसमें देखो, वलय पेड़ का चित्र दिया है ना, तो वलय वड़ पर चढ़ो, ये वड़ है, हिंदी में पेड़ और गुजराती में वड़। तो आपड़े आने शू वाँचीशू? आपड़े आने वाँचीशू वलय जग भर, वलय वड़ पर चढ़, बतक सर सर तर। अहीं सेनू चित्र आपेलू छे? बतकनू। तो आपड़े अहीं शू लखीशू? बतक लखीशू। शू लखीशू? बतक, बतक सर सर तर। पछी जो नीचे करण अने कपनू चित्र आपेलू छे, तो आपड़े शू लखीशू? करण कप पकड़, करण क पकड़। समझाई गयू? चलो तो हवे आपड़े जोईए आ बाजू, खाली जग्या में तरस तरस नगर गटर, जे शब्द एमां नथी लखेलो ए शब्द आपणने लखवानो छे। तो अहींया र लख्यो छे, अहींया खाली जग्या हती, अहींया मैं लखेलो छे, अहींया ग लखेलो, खाली जग्या हती, अहींया मैं ग लखेलो छे, અને અહીંયા ટ લખેલો મેં છે, ખાલી જગ્યામાં પૂરેલું છે। તો આપણે અહીંયા ફણ સ, તો આપણે હું લખીશું? અહીંયા ફણ લખેલું છે, તો આપણે સ લખીશું। અને ભ જ ન, તો આપણે અહીંયા જ નથી લખ્યો એટલે આપણે અહીંયા જ લખીશું। અને ફર જ એટલે આપણે ફ લખીશું। હિન્દીમાં સમજાવું તો હિન્દીમાં જો એ જો શબ્દ દિયા હે ઇસમે સે જો શબ્દ ઇસમે છૂટા હે વો શબ્દ હમ ઇસે હમ इसमें लिख के इसको पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप नीचे चित्र जो ये शब्द बनावो अने लखो। चित्र बता यहाँ आपेला छे, यहाँ सब चित्र दिए गए हैं, बॉक्स भी दिए गए हैं, इसमें हमें ये चित्र देखना है। ये चित्र किसका है? तो झाड़ के जो नीचे का भाग होता है ना, थ, हमने जब क से न पढ़ा था उसमें हमने थ से थड़ पढ़ा था, त्यारे आपने क कलम वाँचू थू त्यारे आपने बोलू थू क થ થળિયાનો થ। તો આજે આ થ થળિયાનો થળ થળ ઉપર આપણે ગોલ બનાવેલું છે અને અહીંયા લખેલું છે એ પ્રમાણે આપણે નીચે લખવાનું છે। ઉસ તરીકે સે હમે યહાં પે નીચે લિખના હૈ। તો દેખો યે કોન સા ચિત્ર હૈ? યે ટબ હૈ, ઇસે ક્યા કહેતે હૈ? ટબ। ગુજરાતી મેં ઓર હિન્દી મેં દોનોં મેં ભી ટબ હી કહેતે હૈ, ઇસલિયે ઇસ ટબ કે ઉપર ફૂટપટ્ટી સે બોક્સ બનાના હૈ ઓર ઇસમે લિખના હૈ। ઠીક હૈ, इसमें लिखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये ग्लास है, इसमें क्या है? शरबत है। तो इसमें हम पढ़ेंगे शरबत, शरबत को फुटपट्टी से लाइन्स खींच के इस तरीके से राउंड बनाना है और यहाँ पे शरबत लिखना है। फिर क्या है? न ख, तो न और ख, ये न के न ऊपर आपने राउंड करवानो छे अने यहाँ न ख लखवानो छे। फिर देखो ये जो चीज है ये हल्दी है, ये पीसी हुई हल्दी नहीं है, ये साबुत हल्दी है,
जब हल्दी के हल्दी पिसाने मसाले बनाने का मौसम होता है ना, तब इसमें ऐसी हल्दी लाते हैं, आपके घर पे भी लाते होंगे, फिर इसको पिसाते होंगे, तो इसे हल्दी कहते हैं। तो इसको गुजराती में हळदर, हम तो गुजराती की किताब में पढ़ रहे हैं ना, तो हळदर, तो हळदर अहीं लखवानू छे अने हळदर ऊपर आपणे राउंड करवानू छे। पछी जो आपणे नीचे शू लखवानू छे, कमल झड़प कर, कमल झड़प कर, सादा वाक्य आपेला छे, एने काना मात्रा कहीं पण आपेलू नथी, ये सादे शब्द है, सादे वाक्य है। तो यहाँ पे जो लिखा है इसको गूंथना है, इसको क्या करना है, एक बार इस बिंदुओं को पेंसिल से हमें पूरा कर देना है। तो देखो इसमें मैं पेन से करूँगी, आपको सारी किताब आपकी पेंसिल से भरना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी इस तरीके से घुमाएंगे और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। झड़प 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 करो, ठीक है। तो इसको घुटना भी है और इसको साथ साथ में लिखना भी है। और देखो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, देखो मैंने कितनी जगह यहाँ पे छोड़ी है ना, ये जगह मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, ठीक है। तो इस जगह को छोड़ देना है और यहाँ पे भी इतनी जगह छोड़ देना है, और ये जो बीच में की जगह है उसी में आपको एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनक झटपट लख, तो आपणे अहीं शू लखीशू, अहींथी જોઈને આપણે અહીંયા લખવાનું છે, જનક ઝટપટ લખ, શરદ 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 કલમ પકડ, શરદ કલમ પકડ, ઠીક છે, શરદ કલમ પકડ। અહીંયા શું લખેલું છે, કમલ ઝડપ કર, તો આપણે અહીંયા લખ્યું છે, પછી લખ્યું છે જનક ઝટપટ લખ, તો ત્યાંથી જોઈને અહીંયા યહાં સે દેખ કર આપકો યહાં લખના હે, જનક ઝટપટ લખ, શરદ કલમ પકડ, એટલે શરદ કલમ પકડ, ઠીક છે। તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણને હજી નીચેના બે શબ્દ લખવાના છે, નીચેના બે શબ્દ હજી આપણા લખવાના બાકી છે, ઠીક છે। તો જો ચમન ગરમ જમ, ચન ચમન ગરમ જમ, એ પણ આપણે લખવાનું છે, અને અજય દસ ગણ, એ પણ આપણે અહીંયા લખવાનું છે, ઠીક છે। ચમન ગરમ જમ અને અજય દસ ગણ, એ પણ આપણે લખવાનું છે। તો આ રીતે આપણને લખીને આ પેજ પૂરું કરવાનું છે, ઠીક છે। તો તમારે આ પેજ નંબર 7 આજે લખીને આવી રીતના પૂરું કરવાનું છે અને વાંચન કરવાનું છે। તો દેખો ઇસ પેજ કો આજ હમને પેજ નંબર 7 કો આજ હમને લિખા હૈ, સમજા હૈ, ઓર ઇસકો હમકો લિખ લેના હૈ, ઠીક હૈ। ઓકે બાય।